उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोवा सरकार ने शुक्रवार को अप्रैल के पहले हफ्ते में होने वाले शिग्मो फेस्टिवल परेड को रद्द कर दिया है। और इस बीच गोवा में सबसे बड़ा वसंत त्यौहार है। और इस बीच जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा विधानसभा को बताया कि राज्य में शिग्मो फेस्टिवल परेड को रद्द करने का फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बचने के लिए किया गया है। और आपको बता दें कि राज्य पर्यटन विभाग अप्रैल में कार्निवल उत्सव की तर्ज पर शिग्मो परेड की मेजबानी करता है। और यहां अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 शहरों में शिग्मो परेड आयोजित होने वाली थी, जिसे अब गोवा सरकार ने रद्द करने का फैसला ले लिया है। हालांकि मंदिरों में पारंपरिक शिग्मो फेस्टिवल जारी रहेगा। तो यहां आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि शादियों और अन्य समारोह को सीमित उपस्थितों के साथ आयोजित किया जाए। इस बीच देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बावजूद सेकंड वेव की स्थिति फर्स्ट वेव से भी बदतर हो सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।